सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुहिश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस विपिन रावत हिंदुस्तान के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं है। देश पर कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए, जनरल विपिन रावत हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे। चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, बिपिन रावत के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग का मैदान हो या फिर क्षय युद्ध, बिपिन रावत के पास बतौर सैन्य कमांडर हर मर्ज की दवा थी। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले वॉर जोन, आतंकवाद रोधी अभियानों के कमान संभालने का अनुभव है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली है, एक राष्ट्रीय राइफल और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए UISS, AVSM, YSM, SM के साथ सम्मानित किया जा चुका है। नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सीवाद, और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक और LAC पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान था। They have not transgressed anywhere on our perception of the line of actual control. There are different perceptions. We are very clear where the line of control lies, line of actual control lies, because we have been told that this is your alignment of the line of actual control and this is the territory you are expected to defend. Chinese have a perception which in some areas we know, in some areas we don't know, because they have never really explained where the line of actual control lies according to their perception. But as far as we are concerned, there is no such village development that has taken place on our side of the line of actual control. जनरल बिपिन रावत की बहादुरी और वॉर प्लानिंग को देखते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी। जनरल रावत को वरिष्ठ दो अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिश को दरकिनार कर भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया था। सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद उन्हें देश का पहला CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत को हर तरह की चुनौती से लोहा लेने का अनुभव है। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं। ये वही डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां वो एक इवेंट के लिए जा रहे थे जिस वक्त उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकर एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। और आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ साथ आज सुबह जो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में उड़ा था, डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहा था वेलिंगटन में, उसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 9 बिपिन रावत और उनके साथ के स्टाफ ऑफिसर, बाकी आर्मी के लोग थे और साथ ही साथ 5 क्रू मेंबर भी उसमें शामिल थे। कुल 14 लोग उस चॉपर के अंदर थे, उनमें से 13 की मृत्यु हो गई है। पूरे आर्मी ही नहीं, ट्राई सर्विसेज ही नहीं, पूरे देश को ये बहुत बड़ा झटका है।